नौकर आया है, ये सिर्फ उनका ही काम करेगा या हमारा भी? क्यों नहीं करेगा, जब हमारे घर का नौकर था तो उनके घर का काम करता था, अब हम भी करवाएंगे क्यों जी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी कहता हूँ। भाईजान, आपका ये नौकर हमारा भी काम करेगा? हाँ हाँ, अभी भेज रहा हूँ। अरे वो क्या नाम है तुम्हारा? अरे जल्दी बोल गए, मेरा नाम शेख चिल्ली। अरे शेख चिल्ली, एक काम कर, इनका काम भी कर दे कर, मगर जरा संभल के। क्यों? बड़ा कमीना इंसान है। बड़ा कमीना है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। चला देख रहे हो, जब देखो घूर घूर के देखते रहते हो, अपना काम करो। मामी, अरे इसे कोई काम बताओ ना। अरे तुम आते ही लड़की की तरफ देखने लगे, बताओ जी इसे कोई काम बताओ। करना क्या है, जब चाय बना के ले क्या? और सुन, बढ़िया सी चाय पिलाना। ठीक है ठीक है, मुझे सामान बतला दो और ये बता दो कहाँ बनेगी चाय। शर्मा बेटे जी, मामू इस नौकर को सब कुछ सिखा दो। ठीक है मामू, आओ रसोई का रास्ता दिखा देती हूँ। ठीक है। ये है रसोई, और चाय अच्छी बनाना। ठीक है ठीक है ठीक है, निकल निकल। अरे मामू, अखबार में क्या ऐसा मिल गया जो लगे पड़े हो अखबार में? अरे मिल क्या गया, हर घर की कहानी यही है। एक भाई ने अपने नौकर के साथ मिलकर दूसरे भाई को मरवा डाला। चाय 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 चाय। मामी, मुझे तो चाय कुछ ठीक नहीं लग रही। चाय तो बिल्कुल ठंडी है, क्यों मामू? अबे तुझे चाय बनानी नहीं आती, बिल्कुल ठंडी चाय बना के लेके आया। तो क्या इसी बात की तनख्वाह लेगा, बर्फ जैसी ठंडी चाय पिलाकर? बर्फ जैसी ठंडी चाय? चाय तो मैंने गर्म बनाई थी, बस ठंडी कर दूंगी। हाँ, मेरा पागल बना रहे, अभी बताता खा लूंगी। अभी बताता हूँ तेरे को, तूने हम सबको भूख दिया। नहीं छोड़ूंगा, तुझे रंडला करके छोड़ूंगा। हाय हाय, इन्हें छोड़ दो, इन्हें मैं फिरता हुआ नहीं देख सकती, चाहे तो मुझे बेवा कर दो। एक काम कर, मुझे रंडवा कर दे, ये खड़ी मैं तो दूसरी कर लूंगा। क्या कहा, इतने दिन से मैं जो यहाँ पड़ी हूँ ला के दिखाओ, मैं कैसे पड़ी हुई आज बताती हूँ। हाय हाय, मम्मी इनका मुँह क्यों लगते हो, क्या खानदान के? चलो जो घटिया खानदान बताया, घटिया खानदान की होगी तू, ये तो मेरा सगा भाई है, आ जा भाई गले लग जा। हाय हाय, गले ना लगने दो, मैंने बहुत तारीज गंडे पिलाए हैं तुम दोनों को अलग करने के। हाँ, अरे कुछ कह रहा तो क्या है, है तो सगा भाई। हाय हाय, ये जमाना तुम्हें क्या कहेगा, जलील तुम्हारे नौकरों को पीट रहा है। अबे ओए, तूने मेरे नौकर को मारा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं कौन सा तेरे को छोड़ने वाला हूँ, तेरे नौकर ने मुझे भूख दिया। छोड़ो करो कबूल करो, नहीं छोड़ो, छोड़ो करो कबूल करो, नहीं 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 छोड़ो करो कबू
नहीं बोल रहे तो मत बोलो, लेकिन एक बात सुन लो, मेरे मामू के यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं है, हो सके तो आज ही चले जाओ। मैं तेरे मामू क्या जाना कि अम्मी अभी भी है? जानते ना सही, लेकिन तुमने उनके घर में आग तो लगा दी। अभी लगी कहाँ है, अब तो लगेगी, जब तक तुम माफी ना मांगेगी ना ऐसे ही करूँगा। मेरा भी नाम शेख चिल्ली है। खूब करो नौकरी, मैं तुम्हारे साथ जाने वाली ना हूँ। अगर तू घर जाने को राजी है तो तेरे मामू का कोई लड़ाई नहीं करूँ, अगर नहीं चली तो क्या कर लोगे? अभी तो लड़ाई कराई है, पूरा तूफान मचाना है, तेरा गुरूर तोड़ रहा है। शेख को पागल समझ रहे शेख चिल्ली को? शेख जी ये तुम्हें अच्छा लगता है मेरे मामू के यहाँ खाना बनाना चाय बनाना? बताओ। अब तो तेरा मामू मेरा चाय बनवाना वाला नहीं, अब तक मैं कैसी चाय पिलाई बनाकर जा लूं। अच्छा तो ये सब करना तुम्हें अच्छा लगता है, तुमने मेरे मामू के घर में आग लगा दी। ठीक है, जब तक तू अपने मामू से ये नहीं बताएगी मेरा शेख चिल्ली है और मैं इनकी बीवी हूँ, जब तक ऐसी करता रहूंगा। और तू कुछ बोलेगी नहीं? हाँ हाँ ना बोलने की। चल तो निकल, निकल ले, नहीं निकल। शेख चिल्ली तू यहाँ आराम फरमा रहा, अब तुझे पता मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे बता कहाँ से आया, कहाँ जाके कहा था फिर रहा? चुप कर। अच्छा ये बता मैंने कल तुझे क्या कहा था? मुझे क्या पता क्या कहा था, मुझे तो तुरंत की पता रहती है। मैंने तुझे तरकीब सोचने को नहीं कहा था? तरकीब? कैसी तरकीब? अरे वही, मुझे अपने कमीने भाई से बदला लेना है। यानी कि भाई भाई से इंतकाम लेगा है? दौलत के लिए भाई को मारेगा? मैं मेरी माना था भाई से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, भाई से दुश्मनी करने वाले को दो जगह में भी जगह नहीं मिलती। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, बदला लेकर रहूंगा। तो मेरा था फर्ज था समझाने का, अब तुम नहीं समझते तो भाई से बदला लेना है। हाँ हाँ लेना है, लेना है। ठीक है, ऐसी तरकीब बतलाऊंगा कि तुम दोनों भाई पागल हो जाओगे। मतलब बताओ कौन सी तरकीब है? मतलब जो मैं तरकीब बतलाऊंगा ना, बस उसमें थोड़ी सी अदाकारी करनी है। कर लूंगा कर लूंगा, जल्दी बता। तुम क्या करो? मुर्गा क्या? मैं मुर्गा? डरो मत, डरो मत, डरो मत, तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, तुम्हारा भाई खुद अपना आपको मार डालेगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा जल्दी बता कौन सी बीमारी? बहुत जल्दी कर रहा। वो बीमारी है मुस्तकेज है नुमा खज्जू। अबे ये कौन सी बीमारी है, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? मैं ये बता देगा, ये सऊदी अरब से आई बीमारी। ठीक है ये सही है। अब सुनो, मैं तुम्हारे भाई को जाकर ये बतलाऊंगा कि तुम्हारे भाई को ऐसी बीमारी लग चुकी है कि वो अपने थप्पड़ मारे तो उनके लगता है और अपने कट मारो तो उनके लगेगा। ठीक है ये तो मैं कर लूंगा। तो मिसाल के तौर पे आप अपने थप्पड़ मारो, ये मानो कि मैं आप हूँ। ठीक है ये तो मैं करता हूँ। जब तक थप्पड़ जोर से नहीं लगता ना साहब जी, बुरा मत मानना, रियल सर का मजा नहीं आता। इसका मतलब रियल सर पक्की। तो चलो पहले बेगम को विश्वास दिलाते हैं इस बात का। ठीक है ठीक है, बेगम को काली को पूरा पूरा विश्वास दिला उन्हें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ। अब थोड़ी रियल सर कर लो। हाँ ये ठीक है, करें करो। अबे ये कौन सी बीमारी है जो मैं खुद को मार रहा हूँ? जब बीमारी तुम्हें थोड़ा कष्ट उठाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ वेरी गुड। ऐसा करो मैं अपने मारता हूँ, तुम एक्टिंग करना। ठीक है ठीक है ना। ठीक, जोर जोर मारो अपना। हाँ। जोर जोर एक्टिंग करो। ठीक है ठीक है, देखो देखो। अल्लाह मार दिया, अल्लाह मार दिया, अल्लाह मार दिया, अल्लाह मार दिया। ठीक है बिल्कुल फिट, बिल्कुल फिट, पास हो गए, बिल्कुल पास हो गए। ऐसे करो तुम लेट जाओ। लेट जाओ? हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, मैं बेगम को बुलाता हूँ। लेटो लेट बेगम जी, बेगम जी। अरे क्या चिल्ला रही है कमबख्त? हाय अल्लाह इन्हें क्या हो गया? मैं कुछ नहीं बोल रहा, देखो सुनो, अब यहाँ पर चूड़ी तोड़ो, चूड़ी।
खराब होने वाली हो। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? जो तेरे मुंह में आती आती सोंदी बकता रहता है, पागल तो नहीं हो गया? बक नहीं रहा मैं, ये मरेंगे बचेंगे नहीं। नहीं नहीं सेठ नहीं, बताऊंगा बताऊंगा सारी बताऊंगा। अरे ये कौन सी बीमारी है? बीमारी वो है जो जलालुद्दीन के नौकर को लगी थी, ये बचेंगे नहीं मरेंगे। मगर ये कैसे लग गई? ये बीमारी ऐसे लगी, इन्होंने चिड़िया मारी थी, उस चिड़िया ने शराब दे दिया, अब ये बचेंगे नहीं मरेंगे। अपने सर पर मत मारो, अगर तुम अपने सर पर मारोगे तो इनके लगेगी। मगर इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज है बेगम, इलाज है। अगर इनके लात घूसे पड़ते रहे तो इनका खून चलता रहेगा और मैं मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। या अल्लाह, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। या अल्लाह, मैं इन्हें नहीं मरने दूंगी। निकल ले, निकल ले। मैं अभी तो यही हुआ, अब आगे देख क्या होता है।